वाओ वाओ वाओ। दोस्तों आप भी यही कहेंगे जब भी आप इनके परफ्यूम्स यूज़ करेंगे, क्योंकि आज हम जिस ब्रांड के परफ्यूम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वाओ स्किन साइंस। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोगों को पता है और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मैं हमेशा से कोई ना कोई नया ब्रांड या नया परफ्यूम ट्राई करता रहता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, सो दैट कि अगर वो परफ्यूम अच्छा निकले तो मैं अपना रिव्यू उसके रिलेटेड आपके साथ शेयर कर सकूं। तो उसी के चलते आई समहाउ केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड वाओ स्किन साइंस। और ये जो परफ्यूम्स हैं आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, ये सारे के सारे मुझे वाओ स्किन साइंस वालों ने ही भेजे हैं। तो ये जो उन्होंने चार अभी नए परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, ये उन्होंने अपनी ओदे परफा कलेक्शन के अंडर लॉन्च किए हैं और उनके नाम है तंजोर ट्वाइलाइट, गुलमर्ग मिस्ट, दून देवदास एंड दार्जिलिंग ड्यू। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगा वो सिर्फ दो परफ्यूम्स के रिलेटेड शेयर करूंगा, और जो बाकी दो परफ्यूम्स बचे हुए हैं उसका मैं जो रिव्यू है अगले वीडियो में शेयर करूंगा, सो दैट कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा ना बन जाए और मैं इस वीडियो को थोड़ा बोरियत से बचाना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई विल रिव्यू ओनली टू परफ्यूम्स फ्रॉम देयर ओदे परफा कलेक्शन। तो अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वाओ स्किन साइंस ब्रांड के रिलेटेड बताना चाहता हूँ, या ये कहूँ कि उनके परफ्यूम्स के रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, जिसको बहुत सारे रिव्यूअर्स इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और वो पॉइंट ये है कि इनके जितने परफ्यूम्स हैं वो सारे के सारे हार्श केमिकल्स फ्री हैं, मींस दे आर पैराबेन फ्री, दे आर फैलेट्स फ्री, दे आर फॉर्मलडिहाइड फ्री एंड दे आर ताउलिन फ्री। तो तंजोर ट्वाइलाइट की बात करते हुए अगर आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताऊं तो ये आती है एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में, जिसके अंदर आपको एक मैट फिनिश की ग्लास बॉटल देखने को मिलेगी। वैसे जो इस समय मेरे हाथ में बॉटल है वो 30 ml का है, पर इसके अंदर 100 ml भी आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सब के नामों को गौर से सुना हो तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे उन प्लेसेस या उन जगहों से इंस्पायर्ड हैं जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब अगर तंजोर ट्वाइलाइट की खुशबू की बात करूँ तो ये एक फ्रेश और रिफ्रेशिंग टाइप सा परफ्यूम है, बिकॉज इसकी जो शुरुआत है वो सिट्रस नोट से होती है, लेकिन पहले स्प्रे पे ही आपको फ्लोरल हिंट्स भी मिलते हैं सिट्रस के साथ। और जो चीज़ आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है वो है इसकी अर्दीनेस, मतलब आपको पहले स्प्रे पे ही कहीं ना कहीं वो गीली मिट्टी की भी खुशबू आएगी और थोड़े से वुड नोट्स का एहसास होगा इसके बेस के अंदर। अब अगर इस खुशबू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कभी आपने एक थोड़ा सा कभी वॉक लिया हो फॉरेस्ट के अंदर, जहां पे आपको नेचुरल वेजिटेशन भी मिलता है, हरियाली भी मिलती है, कहीं ना कहीं वो फूल भी खिले हुए होते हैं और साथ ही साथ गीली मिट्टी होती है और लकड़ी की खुशबू होती है, तो इसका जो एक्सपीरियंस है कुछ वैसा ही है, लाइक इट्स अ प्योरली अ वेरी क्लोज एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। ये एक बहुत ही तगड़ा कैजुअल वेयर है या डेली वेयर है, पर इस खुशबू का पूरा मजा लेने के लिए, इस खुशबू का भरपूर मजा लेने के लिए आप इसे इवनिंग में वेयर कीजिए, बिकॉज ये खुशबू आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स भी करती है। इसकी लॉन्जिविटी भी आपको अच्छी मिलती है, कपड़ों पे अच्छा टिकता है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। अगर ऐसा बोलूं कि ये जो खुशबू है थोड़ी सी माइल्ड, या ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी सटल टाइप सी खुशबू है। अब अगला बात करते हैं गुलमर्ग मिस्ट परफ्यूम के बारे में, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज इट जस्ट स्मेल्स ऑसम। अब जैसा इसका नाम है गुलमर्ग मिस्ट, तो इसकी खुशबू के अंदर आपको वो ठंडी ठंडी बर्फीली वादियों की याद आएगी, बिकॉज इट स्मेल्स फ्रेश, एरोमेटिक, पाउडरी, वुडी एंड अर्दी। मीन्स यू विल गेट ऑल द nuances ऑफ नेचर इन जस्ट वन परफ्यूम। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ऐसा बनाती हैं, तो इसके अंदर ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है, ऑरेंज ब्लॉसम का इस्तेमाल किया गया है, और ड्राई डाउन में आपको सेफ्रन का भी मज़ा मिलेगा, कार्डमम का भी मज़ा मिलेगा, जो इसको बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है। लेकिन अल्टीमेटली एंड में ये खुशबू सेटल होती है विटेवर और एम्बर के नोट्स पर। अब जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है, कुछ वैसी ही खुशबू आपको इस परफ्यूम के अंदर मिलने वाली है। मींस जो ये परफ्यूम है वो प्लेजेंट नोट्स के साथ भरा हुआ है। अब कश्मीर की उन ठंडी ठंडी वादियों में आपको कुदरत की वो जो खुली खुली खुशबू आती है और ऊपर से हल्की हल्की ओस की बूंदें, वो नज़ारा कैसा होता है, वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस आपको इस परफ्यूम के अंदर मिलने वाला है। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल खुशबू है, और यूनिवर्सल से याद आया कि इनके जितने भी परफ्यूम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेक्स है। अगर इसकी लॉन्जिविटी की बात करूं तो जो गुलमर्ग मिस्ट की लॉन्जिविटी है वो भी आपको अच्छी ही मिलती है, कहीं ना कहीं कपड़ों पे बहुत देर तक टिकता है, लेकिन अगेन बात वही है जो इसकी प्रोजेक्शन है वो पहले 30 मिनट तक ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और माइल्ड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा मेरा रिव्यू वाओ स्किन साइंस के दो परफ्यूम्स के रिलेटेड, जिनके नाम थे तंजोर ट्वाइलाइट एंड गुलमर्ग मिस्ट।
बट इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है दैट इफ यू विश टू बाय देयर परफ्यूम्स आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट मेरा कूपन कोड यूज करने पे, जिसका कोड है परफ्यूम बीस्ट 20 और ये आपको इनकी वेबसाइट से खरीदने पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके अपने ख्याल भी बताइए इस वीडियो के रिलेटेड। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना हो सके हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।